क्लास 10 का बायोलॉजी भारतीय वन बुक से, और ये भारतीय वन बुक का ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। और जब देखते हैं परिवहन के बारे में, परिवहन पौधों से लेकर, जैसे जड़ से पानी ऊपर जाती है ना जड़ के थ्रू पेड़ में, ठीक है, और हमारा खून जो नस होता है नस के थ्रू पास करता है, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना, पौधे के बारे में भी और ह्यूमन बॉडीज के बारे में भी अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चे। चलो तो स्टार्ट करते हैं, परिवहन हेडिंग लगाइए परिवहन। कहता है जीवित प्राणियों में, जैसे ही बर्ड आई जीवित प्राणी, तो जीवित प्राणी का मतलब सिर्फ यही नहीं समझना है कि आदमी की चर्चा हो रही है या जानवर की चर्चा हो रही है। प्राणी का मतलब यहाँ जीव और पेड़ पौधे दोनों, जंतु और पेड़ पौधे दोनों को चर्चा किया गया है। जीवित प्राणियां, अब जीवित प्राणियां समझ में आ गया, पेड़ भी होगा इसमें और जंतु भी होंगे, में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो रिएक्शन वगैरह होता है हमारे शरीर में उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी उपापचयी क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचयी क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनके जीवन के लक्षण हैं। सारी क्रियाएं जो संपन्न होती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंतर्गत संपन्न होती है। कहता है कि विभिन्न उपापचयी क्रियाएं, जैसे हमारा उपापचयी क्रियाएं के अंतर्गत क्या क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझने वाला है उपापचयी क्रिया। आप इसको थोड़ा सा लिखे क्यों नहीं, उपापचयी क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना। ये वर्ड को आपको याद करना और लिखना बहुत जरूरी है। आप चैप्टर पढ़ने से पहले वर्ड पर यानी टर्मिनोलॉजी को जितना अच्छा से समझेंगे, याद रहेगा, उतना अच्छा से चैप्टर आपको समझ में आता है, ठीक है ना। तो उपापचयी क्रिया को क्या बोला गया, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या स्पेलिंग नजर नहीं आ रही है क्या? मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गया बच्चे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है शरीर की वृद्धि के लिए जीवद्रव्य, जीवद्रव्य को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है बच्चे? प्रोटोप्लाज्म, यानी शरीर की वृद्धि के लिए। अब अगर पौधे हो तो पौधा का शरीर उसका तना होगा, उसका रूट होगा, जड़ होगा, यानी रूट और शूट दोनों मिला करके उसे क्या बोला जाएगा बताओ, उसे क्या बोला जाएगा? पेड़ बोला जाएगा, उसका शरीर हो जाएगा, समझे, रूट और तना मिला करके रूट और शूट। तो शरीर की वृद्धि के लिए जीव द्रव्य तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए पोषण, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा के उत्पादन हेतु श्वसन आदि के इत्यादि के लिए शरीर के सभी कोशिकाओं को विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो यही सब चीजें क्या कहलाई? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कहो तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंतर्गत अगर समझने को है तो आप शॉर्ट में ये भी समझ सकते हैं कि शरीर के वृद्धि, शरीर के निर्माण, बीज का बनना पौधे में, ठीक है ना, पत्तियां का निर्माण, ये सब क्रियाएं जिसके द्वारा संपन्न होती है वही अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या उपापचयी क्रियाएं कहलाती है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से उपापचयी क्रियाएं होती हैं। और प्राणियों में प्राणियों का जीवित रहना असंभव, अगर ये सब क्रियाएं नहीं होगी, ये सब आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं होगा तो कोई भी जीवन संभव नहीं है। ऐसे आवश्यक पदार्थों का स्रोत सामान्यतः कोशिकाओं से दूर होता है, जैसे ग्लूकोज का बनना, किसका? ग्लूकोज का बनना, अमीनो अम्ल का बनना, वसा अम्ल आदि पोषक तत्व आहार नाल में क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
के पाचन से बनते हैं। देखो बेटी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या है इंपॉर्टेंट, इसको क्या नजर आ रहा है आप लोग को मोबाइल में, एक बार देखो इतना पर नजर आ रहा है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है ग्लूकोज। तो आप यहाँ पे उसी के नीचे एक डैश डालिए, लिखिए कार्बोहाइड्रेट, लिखिए कार्बोहाइड्रेट, लिख दिए कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, जल्दी जल्दी लिखना कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है ग्लूकोज, क्या बनेगा बच्चे ग्लूकोज या ग्लूकोस, ग्लूकोज बनता है। इस ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग को याद है ना, C6H12O6, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट से बनेगा ग्लूकोज, और क्या बनेगा बच्चे, प्रोटीन से बनेगा अमीनो अम्ल, यानी उल्टा बोल दिया, यानी प्रोटीन का संश्लेषण अमीनो अम्ल से होता है, किससे होता है अमीनो अम्ल से। तो इस प्रकार हम यहां पे लिख देते हैं प्रो अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट है तो प्रोटीन लिख देते हैं, प्रोटीन यहां पे क्या लिखेंगे अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल एसिड, ठीक है बच्चे। और क्या लिखेंगे, बसा फैट, बसा ये बसा बसा अम्ल से बनता है, बसा से बसा अम्ल, अब बसा जो है वो बसा अम्ल से बनता है, ग्लूकोज से बनता है कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल से बनता है प्रोटीन, और बसा अम्ल से बनता है बसा, बसा अम्ल से बनता है बसा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको, सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से बनता है, ग्लूकोज किससे बनता है कार्बोहाइड्रेट, या ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल से प्रोटीन, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और बसा अम्ल से बसा का संश्लेषण होता है। बसा को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे फैट, क्या बोला जाता है फैट, क्या बोला जाता है फैट। तो बसा अम्ल से बसा का निर्माण होता है। अगर ये पदार्थ आहार नाल से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचे, अगर ये पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और बसा, ये पदार्थ अगर सेल यानी कोशिका तक नहीं पहुंचे, तो कोशिका में एक रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचे तो यहाँ ऊर्जा का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। किसका संश्लेषण नहीं हो पाएगा बच्चे, ऊर्जा का संश्लेषण नहीं, यानी ऊर्जा नहीं बनेगा। ऊर्जा कहाँ बनता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पढ़ाया गया ना, है ना, 9th क्लास के जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रहा था तो एक पैकेज से पूरा डिटेल चर्चा किए थे, है ना, डेली 2-4 डेली करते थे। तो याद है वो क्या बताया था उस समय कि कहाँ गया, हाँ, तो ऊर्जा कहाँ से बनता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब जितने भी टर्म है, कार्बोहाइड्रेट है प्रोटीन है बसा है, ये आहार नाल के थ्रू ये धीरे धीरे कहाँ तक, कोशिका तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा कोशिका, और कोशिका के कहाँ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बच्चे ऊर्जा गृह, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके, याद होगा आपको ये चीज। तो अगर ये आहार नाल से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंचे, कहाँ तक, प्रत्येक कोशिका, अब प्रत्येक कोशिका के कहाँ तक, तो प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचते तो इनका उपयोग नहीं हो पाएगा, और ये शरीर के लिए बेकार साबित होगा, ये सब सब शरीर के लिए बेकार साबित होगा। यानी अब बताइए, सारा तेल बहा रहे हैं और इंजन में तेल जा ही नहीं रहा है, डीजल, तो इंजन में जब जा ही नहीं रहा है, जहाँ पे एनर्जी बनता है तो वो तेल कोई काम का रहेगा, तो उसी प्रकार से
जहां पे प्रोटीन प्रोटीन वगैरह सारा चीज बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, बसा बन गया। अब ये कार्बोहाइड्रेट बसा कहां पहुंचना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहां जब ये पहुंच ही नहीं रहा है तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, यही बेकार है, बेकार चला जाता है। इसी प्रकार वायुमंडल से लिया गया ऑक्सीजन जब तक श्वसन के श्वसन अंगों से कोशिका तक नहीं पहुंचता, अब ये कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, दोनों साथ में माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचते हैं। कौन कौन? एक प्रोटीन और दूसरा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन और प्रोटीन दोनों आपस में मिल करके क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है, और यही कंज्यूम हो जाता है, और जो ऑक्सीजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है ना? किसमें बदल गया? तो कोई पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड में कहां बदलता है, कहां ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा जगह पर बदलता है? तो आप बता देंगे कहां बदलता है, तेरी माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी तो बताया था साल से कहां बनता है, जैसे डीजल इंजन में देखते हो, डीजल पहले जलता है और जलेगा तब धुआं देगा, तो वहां बदल रहा है डीजल से धुआं में, यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। क्या हुआ? कहा ज्यादा ही है, इंटेंसिटी कम है क्या? ए उसको क्या, अच्छा बदल रहा है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लवण है, ये सब चीजें कहाँ जाती है? कोशिका तक जाती है। कहाँ जाती है? कोशिका। और कोशिका के कहाँ जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इसके साथ साथ ऑक्सीजन जाता है, और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ऊर्जा बनाता है। कहाँ बनाता है ऊर्जा, एनर्जी कहाँ बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को है ना क्या कहते हैं? ऊर्जा घर, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो यहां तक कि आपको ये बातें समझ में आ गई है, अब चलो आगे देखते हैं। कहता है आगे ऑक्सीजन ये नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन जब तक श्वसन अंगों से कोशिका तक नहीं पहुंचता है तब तक उसका उपयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने यहां तक क्या समझ गया। आगे देखो, कहता है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ का भी उत्पादन होता है। क्या कहता है? उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबोलिक एक्टिविटीज के फलस्वरूप, यानी उसके चलते कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ का भी उत्पादन होता है जो शरीर के लिए अनुपयोगी और हानिकारक होता है, वेस्टेज होता है, और ये क्या है? लॉस, हानि पहुंचाता है। कोई चीज तो फायदा करा और कोई चीज खराब होगा, है ना। जो शरीर के लिए अनुपयोगी या हानिकारक होते हैं ऐसे पदार्थ को भी कोशिकाओं से लगातार हटाते रहने की आवश्यकता होती है, अतः परिवहन की परिभाषा इस प्रकार दिया गया है ना। पूरा एक कॉन्सेंट पूरा बात चीज को समझिए। कहता ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है, यह एक ऐसा सिस्टम है बच्चे कि ये एक पाइप है, ठीक है। पहले नंबर तो पाइप के थ्रू किसी नाल के द्वारा, आहार नाल या किसी नाल के द्वारा बसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, बसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है ना, लवण खनिज ये सब एक पाइप के थ्रू यानी कोशिका सॉरी किसी नस के थ्रू, नाला के थ्रू है ना, कनाल के थ्रू कहां तक जाए? कोशिका तक जाए, ठीक है। या यहां से और क्या जाए? हवा भी, किसी जैसे नासिका द्वार से हवा घुसती है नाक से, और नाक से ट्रैकिया होते हुए ये लंग्स तक जाती है, फेफड़ा तक जाती है, और फेफड़ा में फेफड़ा के बाद कुछ छना जाता है। अब फेफड़ा के बाद नस के थ्रू ये ऑक्सीजन कहां पहुंचती है? शरीर के सारी कोशिकाओं तक पहुंचती है, और सब कोशिका के सारे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचती है, ठीक है। अब यहां पे रिएक्शन हुआ, किन दोनों के साथ रिएक्शन हुआ?
एक कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन एक तरफ और दूसरे तरफ ऑक्सीजन, आपस में रिएक्शन करके एनर्जी पैदा किया। ठीक है बच्चे, अब कुछ वेस्टेज मटेरियल भी बन जाते हैं इसके थ्रू, तो उसको भी बाहर करने के लिए एक होना चाहिए ना। जैसे वेस्टेज क्या बना था, तो वेस्टेज पहले वो मटेरियल्स बन गया जो ऑक्सीजन पहले था, वो ऑक्सीजन अब किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है तो उसको भी बाहर करना होगा कि नहीं करना होगा, तो बताइए उसको ये भी एक स्पेशल पाइप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना, डक्ट नाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो हम लोग खाएं उसको भी निकलना जरूरी है, वेस्टेज मटेरियल्स को भी निकलना जरूरी है। तब यहाँ पे कहता है कि ऐसे पदार्थ कोशिकाओं से लगातार हटते रहना चाहिए। कैसे पदार्थ, जो वेस्टेज है, जिसका शरीर कोई उपयोग नहीं कर सकता, शरीर के लिए ये अनुपयोगी है, तो ऐसे पदार्थ वेस्टेज मटेरियल्स कहलाएंगे। अतः परिवहन की परिभाषा यानी ट्रांसपोर्टेशन की परिभाषा दिया गया है। अब आपको ट्रांसपोर्टेशन की परिभाषा को समझना होगा। आइए बच्चों समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन की परिभाषा, लिखना नहीं है। परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कहता उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से। अब एक कोई उपयोगी पदार्थ ले लो, जैसे मान के चलो कि हम लोग ले लिए प्रोटीन, है ना। बताइए प्रोटीन का संश्लेषण किससे होता था, अमीनो अम्ल से, याद रखोगे। और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किससे होता था, ग्लूकोज से, याद है ना। और वसा का संश्लेषण किससे होता था, वसा अम्ल से। तो उपयोगी पदार्थों का मूल स्रोत से अब मान लिया जाए ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन कहां से लेंगे बताइए, वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से। और सबसे पहले वो ऑक्सीजन कहां जाएगा, कोई पूछे सांस किससे लेते हैं, तो नाक से। सांस नाक से नहीं लिया जाता है, सांस लिया जाता है लंग्स से। हमारा शरीर जो है वो सांस किससे लेता है, लंग्स से यानी फेफड़ा से, ना कि नाक से। ये नासिका जो छिद्र होती है, ये हवा इसमें सिर्फ जाता है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो जाता ही, उसके साथ साथ और भी गैस चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, नाइट्रोजन चला जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी वातावरण में है गैस, वो सारे गैस हमारे नासिका छिद्र द्वारा चला जाता है। बच्चे समझ में आ रहा है, कहाँ कैसे चला जाता है, नासिका छिद्र द्वारा चला जाता है। अब वहां पे इसका अलग अलग है ना वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है कि कौन उपयोगी है और कौन अनुपयोगी है, समझे बच्चे। तो उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोत से, तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, वायुमंडल या पेड़ द्वारा छोड़ा गया हवा यानी ऑक्सीजन। मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, तो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक बेटा कैसे पहुंचेगा, सबसे पहले नासिका छिद्र में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया डक्ट होते हुए हमारे लंग्स में जाएंगे, यानी कहां जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से है ना नस के थ्रू शरीर के सभी कोशिकाओं में चला जाएगा। तो बताइए मूल, जहां मूल स्रोत समझ में आ गया, अनुपयोगी ये हो गया कोशिका तक पहुंचने, अब कोशिका तक ये पहुंच गया, अब अनुपयोगी जिसका कोई उपयोग नहीं है, कोशिका तक पहुंच गया, अब बन गया वो ऑक्सीजन का बन गया, कार्बन डाई ऑक्साइड। अनुपयोगी हानिकारक पदार्थ को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक, यानी जहां उसको जाना है वहां तक पहुंचने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं, पदार्थों का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। अब देखो एक अच्छा उदाहरण दे देते हैं, ठीक है ना, इसके अलावे और दूसरा। चलिए तो आप मान लिया जाए ट्रांसपोर्ट का काम क्या है, गाड़ी का काम क्या है,
सबसे पहले मान लिया जाए कि आपको चाहिए क्या, अंगूर। अंगूर मान लिया महाराष्ट्र से आ रहा है, नासिक में अंगूर ज्यादा होता है, पुणे में, महाराष्ट्र। अब वहां से अंगूर आया, किसके थ्रू अंगूर आएगा? ट्रक के थ्रू आएगा अंगूर, गाड़ी से आएगा अंगूर, और वो अंगूर आपके पास पहुंचाया, आप उसका क्या किए, खा लिए और वेस्टेज मटेरियल को निकाल दिए। समझ आया? तो ये पूरा क्रिया क्या कहलाया? ट्रांसपोर्ट, है ना। पूरा क्रिया क्या कहलाया? पदार्थों का परिवहन, यानी अंगूर का परिवहन हो गया। अंगूर खेत में से टूट के ट्रक से लदा करके हमारे घर आया, हमने उसको खाया, है ना, पचाया, और एक्सक्रिएशन बाद में आनस के थ्रू उसको निकाल दिया, है ना, बाथरूम में जाकर के उसको क्या किया, निकाल। अब ये पदार्थों का परिवहन यानी अंगूरों का परिवहन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया नहीं? तो मटेरियल को आना, यहाँ पे उसका क्रिया करना, और क्रिया के बाद उसको हटा देना, ये पूरा क्रिया ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। और शरीर में ऐसे कुछ अंगक मिल करके कार्य करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। बच्चे समझ में आया ट्रांसपोर्ट सिस्टम? किसी पदार्थ को आना, उपयोग होना, और उसके बाद हानिकारक पदार्थ यानी वेस्टेज मटेरियल को जहां जाना है गंतव्य स्थान पर छोड़ देना, ये पूरा क्रिया क्या कराया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स कराया। बोलो बच्चे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब आइए पौधों में पदार्थों का परिवहन। हमने बस एक छोटा सा एग्जांपल लिया परिवहन क्या होता है ना। अब डिटेल्स पढ़ेंगे पदार्थों का, पौधों में पदार्थों का परिवहन और मनुष्यों में भी पदार्थों का परिवहन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे करके सारी वर्ड्स को सीखिए। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन यानी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट। इन प्लांट मतलब पौधों में पदार्थों का परिवहन, मटेरियल्स मतलब पदार्थ, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। कहता है एक कोशिकीय पौधा। अब बोलो एक कोशिकीय पौधा क्या होता है? वैसा पौधा जिसमें तो बहुत से कार्य हैं, लेकिन कार्य करने के लिए उसके पास शरीर एक ही है, है ना। ऐसे शरीर को, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय पौधा कहा जाता है। इस टाइप में जो पौधे होते हैं बच्चे, उसमें आप पत्ती कहाँ है, उसका जड़ कहाँ है, उसका तना कहाँ है, ये सब में विभेद नहीं कर सकते। विभेद मतलब अलग अलग छाट नहीं सकते। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ शैवाल, शैवाल में जड़ कहाँ है खोजोगे, पत्ती कहाँ है खोजोगे, उसका तना कहाँ है मिलेगा। लेकिन अगर हम ले आते हैं एक गुलाब का पौधा, तो गुलाब के पौधा में जड़ मिलेगा ना, तना मिलेगा ना, पत्ती मिलेगा ना। तो अगर हम इस सब में विभेद कर लेते हैं, तब कहोगे कि ये बहुकोशिकीय है। और अगर विभेद नहीं किया जाता है, तब ये एक कोशिकीय है, और एक कोशिकीय कभी मरता नहीं है। बहुत पहले बात बता चुके थे, शैवाल क्या है? एक कोशिकीय है। क्लेमाइडोमोनस क्या है? एक कोशिकीय है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है। पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय पौधों जैसे क्लेमाइडोमोनस, क्लेमाइडोमोनस क्या है? एक कोशिकीय पौधे हैं। क्लेमाइडोमोनस क्या है बच्चे? एक कोशिकीय पौधे हैं, याद रखोगे। क्लेमाइडोमोनस ये 9 में नहीं पढ़ना था क्या? क्लेमाइडोमोनस। युगलीना, युगलीना भी एक कोशिकीय पौधे। अब बताते हैं युगलीना क्या होता है भाई। युगलीना बहुत इंपॉर्टेंट है, युगलीना, युगलीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पौधे और जंतु के बीच, पौधे और जंतु के बीच पुल का काम करता है। पुल माने जोड़ने का काम करता है, कड़ी का काम करता है। किसका? कड़ी, कड़ी मतलब जुड़ना, कड़ी मतलब जुड़ना। कोई गुण इसका पौधा वाला है और कुछ गुण इसका जंतु वाला है, है ना। पौधा वाला गुण मतलब ये सांस लेने के लिए, ये खाना बनाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं है,
आराम से पौधे खड़ा हो जाता है सूरज की किरण में और खाना बन के तैयार हो गया। क्या मानव में ऐसा होता है क्या? तो युगलीना क्या है लिखो बेटा युगलीना के बारे में। एक अस्तार दो लिखो। पौधे तथा जंतु के बीच, पौधे तथा जंतु के बीच युगलीना कड़ी का काम करता है। पौधे तथा जंतु के बीच युगलीना कड़ी का काम करता है। पौधे तथा जंतु के बीच युगलीना कड़ी का काम करता है। कड़ी मतलब फूल, जुड़ने का काम करता है। कितना बढ़िया निंदा रहा है नहीं? हाँ? नहीं लिखे क्या? पौधे तथा जंतु के बीच कड़ी का काम करता है। बहुत सा गुण इसमें पौधा वाला है और बहुत सा गुण इसमें जंतु वाला है, इसलिए दोनों के बीच का ये कड़ी का काम करता है। लिख लिए बच्चे? पूछेगा पौधे और जंतु के बीच कड़ी का काम कौन करता है तो क्या बोलेंगे? युगलीना। ऐसे युगलीना क्या है? एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? तो आंसर बोलोगे सर ये तो यूनिसेलुलर है। तो आपने देखा क्लोरो सॉरी क्रेमाइडोमोनास युगलीना। सरल बहुकोशिकीय जीव शैवाल में पदार्थों का देखो बेटे, शैवाल में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण। अब विसरण को समझिए सर, ये विसरण द्वारा कैसे होता है? जैसे मान के चलो बेटा ये है आपका, है ना, मानना क्या है, मेरे पास तो सारा सिस्टम, इतना ही है जी। अच्छा अच्छी तो खत्म हो गया है, चलिए बात में देखते हैं। ये है अमीबा, ये क्या है बच्चे? अमीबा। अमीबा में बहुत से होल होते हैं बना हुआ। इसका जो शरीर होता है स्पॉन्जी होता है। कैसा होता है? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मतलब चापोगे तो सब पानी निकल जाएगा, अभी छोड़ोगे तो पानी घुस जाएगा। किसके जैसा? स्पंज जैसा, है ना, रुई जैसा, या फिर वो नहीं रहता है गद्दी, गद्दी में ऐसा होता है ना, हाँ, तो गद्दी जैसा। समझ में आ रहा बच्चे? तो ये सब स्पॉन्जी होता है और इसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र होता है। अब ये छिद्र के थ्रू, इसको लिए अलग से नाक नहीं है, एक उसके जीव है ना, तो इसका अलग से नाक नहीं है कि इसके थ्रू घुसेगा हवा। उसके बाद पाइप है, इसमें पाइपों गायब है। पाइप माने नास, पाइप मतलब नास, नास भी इसमें नहीं है। तो ये सांस कैसे लेगा? विसरण के थ्रू सांस लेता है, है ना, सब जगह से हवा घुस जाता है और सब जगह से हवा निकल जाता है। तब विसरण का मतलब ही ऐसा ही होता है। जैसे यहाँ पे आप मिट्टी का तेल गिरा दिए, क्या चीज का? मिट्टी का तेल। अब कुछ देर के बाद देखोगे मिट्टी का तेल सारा के सारा उड़ गया, तो यही उड़ा किस क्रिया से? विसरण हो गया, है ना, पानी छोड़ दिए, गिरा दिए, कुछ देर के बाद पानी उड़ गया, यानी पानी का विसरण हो गया। अब समझ में आया कि विसरण क्या होता है? तो शैवाल, चूंकि इसमें विसरण इसलिए हो जाता है कि अलग से हमारा शरीर विसरण नहीं करता, छेद है शरीर में सगरो, पानी सूख रहा है इसको चापते रहते भिजा के रखो, एक वाला सुतारी वाला बुड़ वाला पेट के रखो पानी डाल के, ऐसा नहीं ना करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा शरीर पैक्ड है। ए लड़का झुक नहीं आ रहा, खड़ो अभिषेक, जगो यार, जागोगे तो पाओगे और सोओगे तो खोओगे, ठीक है ना। तो बच्चे विसरण समझ में आ गया? तो एक कोशिकीय जीव में संश्लेषण, एक कोशिकीय जीव सांस किस विधि द्वारा लेता है? तो आप ऑब्वियसली कह सकते हैं विसरण द्वारा सांस लेता है। जबकि
आइदर बे जबकि जटिल बहुकोशिकीय सिंपल बहुकोशिकीय था ये जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल और खाद पदार्थों का जो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक परिवहन तंत्र द्वारा होता है। इसमें पाइप की जरूरत पड़ेगा यानी नस की जरूरत पड़ेगा, एक नाला की जरूरत पड़ेगा, एक डक्ट की जरूरत पड़ेगा, समझ में आ रहा ना, पाइप की जरूरत पड़ेगा। तो सरल एक कोशिकीय सरल बहुकोशिकीय भी रहेगा तो उसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, कोई भी नस नहीं होता है, विसरण के द्वारा सांस लेता है। लेकिन जो जटिल बहुकोशिकीय है, जटिल बहुकोशिकीय मतलब कि अच्छा से नाक नजर आ रहा है, कान नजर आ रहा है, सब अलग अलग है, तो ऐसे को कहेंगे जटिल बहुकोशिकीय, है ना। करे क्योंकि विसरण विसरण क्रिया से लंबे वृक्षों तक जड़ से लेकर पत्तियां तक की दूरी नहीं तय किया जा सकता है। अच्छा लग रहा है, क्या कह रहा है कि परिवहन संभव नहीं है, किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा, क्योंकि जड़ कहां पत्तियां कहां, समझ में आ रहा ना, इस वजह से इतना लंबा दूरी ये संभव नहीं, ज्यादा पत्तियां तक जड़ से लेकर के कहां तक, जड़ से लेके पत्तियां तक दूरी तय नहीं किया जा सकता है। इस तंत्र में संवहन उत्तक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में रहते हैं, संवहन उत्तक रहता है, संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम के रूप में रहता है, किसके रूप में रहता है, जाइलम और फ्लोएम के रूप में रहता है, जो जाइलम और फ्लोएम कहे जाते हैं। संवहन उत्तक बहुकोशिकीय पौधे में, बहुकोशिकीय किसमें, जटिल बहुकोशिकीय पौधे में जो संवहन उत्तक होता है वो क्या कहलाता है, जाइलम और फ्लोएम, यानी जो जल को ले जाने का काम करता है उसको जाइलम कहेंगे, और जब सारा चीज बन गया, कार्बोहाइड्रेट तैयार है, प्रोटीन तैयार है, सब जब उसको फैलाना है, खाना देना है, तब हम इस क्रिया को क्या कहेंगे, फ्लोएम कहेंगे। ठीक है बच्चे, आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। ये जड़ से लेकर तना होते हुए पत्तियां तक फैले रहते हैं, कौन, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम जड़ से लेकर के कहां तक रहता है, पत्तियां तक रहता है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम में एक अंतर है, जाइलम जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है सिर्फ, और फ्लोएम सब दिशा में, नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे, खाना पहुंचाना है, जैसे जाइलम का काम क्या है, पानी पहुंचाना, लवण पहुंचाना, खनिज पहुंचाना, वसा पहुंचाना, तो जड़ के थ्रू होगा ना, तब मिट्टी में जो पाए गए खनिज लवण वसा है, जल है, इसको पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन जब पत्तियां खाना बना देती है तो पत्तियां खाना बनाने के बाद उस फ्लोएम का काम है कि सब जगह पहुंचाना, तब बताइए खाना जगह सब जगह पहुंचाएगा तब क्या होगा, ऊपर भी पहुंचाना पड़ेगा, कुछ पत्तियों से ऊपर है पत्तियां, कुछ नीचे है इतने दूरी पर पत्तियां, और कोई है ऊपर टहनी है तो उसके ऊपर जो खाना पहुंचाएगा, और कुछ पत्तियां नीचे भी है और नीचे टहनी है वहां तक पहुंच, बताइए जड़ को छोड़ देगा, नहीं तो जड़ वो मोटाएगा क्या, यानी ये खाना जड़ तक भी देना जरूरी है। इसलिए जाइलम सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर विसरित होती है और फ्लोएम ऊपर भी और नीचे भी है। बोलो बच्चे क्लियर है, जाइलम और फ्लोएम बातें आप लोग को समझ में आ गया। पत्तियों में ये सिराएं जो होती है, ये पत्तियों में ये सिरा देखते हो ना बेटे, ये जो सिरा देखते हो मेन ब्लेड के अलावा, ये जो सिरा, ये जो पत्तियां में ये सिराएं यानी वेंस, उनकी शाखाएं के रूप में देख सकते हैं, जो सिराएं होती है वेंस, इनकी शाखा के रूप में देखिएगा, पत्ती में बड़ी बड़ी नस रहता है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये शाखा, जल एवं खनिज लवण यानी मिनरल सॉल्ट का अब्सोर्शन यानी यहाँ पे अब्सॉर्प्शन जड़ द्वारा पौधे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, जाइलम के द्वारा, जड़ द्वारा, और इन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम का कार्य यही है ना कि जड़ खनिज लवण वसा को खींचे, सोखे, और खींच करके कहां तक लेके जाना है, उसको पत्तियां तक लेके जाना है।
जितना भी लिप्स है उस सभी लिप्स तक पहुंचाना है, इन्हीं पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यह क्रिया जाइलम उत्तक द्वारा संभव होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है बच्चे? जाइलम उत्तक के द्वारा संपन्न होती है। जल की मदद से हरी पत्तियां संश्लेषण की प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों का निर्माण करती है। यानी यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस का क्रिया होती है और खाना बनता है। जो पत्तियां से पौधे के हर अंग तक फ्लोएम का निर्माण करती है, कहाँ गया, फ्लोएम द्वारा पहुंचाती है। कहां तक? किसके द्वारा? फ्लोएम। खाना बन गया, पत्तियां के पास खाना बन गया। अब खाना को कहाँ कहाँ पहुंचाना है? सब जगह पहुंचाना है, पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाना है। और जब पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाना है तो ये काम किसका है? फ्लोएम का है। तो जाइलम का काम याद है? जाइलम का काम क्या है? जड़ के थ्रू लवण, वसा, पानी सब चीज को पत्तियां तक पहुंचा दो। और जब पत्तियां खाना बना ली तो सब जगह खाना को पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम का है। तो आप जाइलम और फ्लोएम दो टर्म लिख लिए, लिख लिए बच्चे, जाइलम और फ्लोएम दो टर्म हो गया। चूंकि जाइलम और फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है, यानी ट्रांसलोकेशन होता है, हस्तांतरण पौधे के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है, इसलिए इसे संवहन बंडल कहा जाता है, यानी वैस्कुलर बंडल कहेंगे। अच्छा, अब पूछेगा वैस्कुलर बंडल कौन सा है, संवहन उत्तक कौन है? संवहन मतलब समझ में आया बच्चे? लाने और ले जाने का काम, लाने और ले जाने का काम। तो पौधे में संवहन उत्तक कौन है? तो बोलेंगे जाइलम और फ्लोएम। कौन है? है ना, तो लिख लो, पौधे में संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम है। तो हमने यहां तक देख लिया कि तो देखिए, अभी हम लोग वैस्कुलर बंडल की बात किए। तो वैस्कुलर बंडल के अंतर्गत कौन कौन आया बताइए, बताइए वैस्कुलर बंडल के अंतर्गत कौन कौन आया? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम याद रखिएगा। तो जाइलम और फ्लोएम को क्या करता है? संवहन बंडल कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए संवहन बंडल क्या होता है, कौन होता है? तो जाइलम और फ्लोएम होता है। कौन होता है बच्चे? जाइलम और। तो बताइए वैस्कुलर बंडल आप लोग को याद हो गया, जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलेंगे? वैस्कुलर बंडल कहेंगे। अब आप देखो यहाँ पे जाइलम यह एक जल संवाहक उत्तक है, यानी जाइलम क्या है? जल संवाहक, संवाहक मतलब ले जाने वाला। कौन सा ले जाने वाला? जल को ले जाने वाला उत्तक है। तो जल ले जाने वाला उत्तक का नाम जाइलम है। जल ले जाने वाले उत्तक का नाम क्या है? जाइलम है। याद रखिएगा, जाइलम जल संवाहक उत्तक है। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं, वाहिकाएं मतलब होता है बेटे नस, नाला, समझ में आ रहा है ना, ट्यूब, डक्ट, वेसल एवं वाहिकाएं यानी ट्रैक्स मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों को हस्तांतरण में सहायक होता है। ये तो बार बार यही चीज बता रहे हैं। जल क्या ले जाइलम क्या ले जाता है? तो जल को ले जाता है, लवण को ले जाता है, खनिज को ले जाता है, वसा को ले जाता है, प्रोटीन को ले जाता है। कहां से? जड़ से, जड़ के थ्रू। ठीक है ना, बोलो बच्चे क्लियर? कहता है इस प्रकार वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। वाहिकाएं कैसा होते हैं? लंबी बेलनाकार जैसा। अब लंबी बेलनाकार कैसा होगा? एकदम ऐसा लंबी बेलनाकार। और इसमें पानी आना जाना, पानी का ऊपर चढ़ना रहेगा, है ना। एक वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा भी ऑफलाइन बैच करके आपको दिखाएंगे, उस वीडियो में आपको समझ में आएगा किस प्रकार से जाइलम से जड़ ऊपर जाता है। एक बार दिखाया भी था ऐसा, ठीक है ना। कहता है एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच
अनुप्रस्थ भित्ति यानी ट्रांसवर्स बाल घुल जाती है, जिसे जड़ से लेकर पत्तियां तक जड़ का अखंड स्तंभ यानी कॉन्टियस वाटर कॉलम का निर्माण करती है। बाहिकाएं की कोशिकाएं क्या होता है, कोशिकाएं लंबी एवं नलिकार और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। देखिए दोनों शीर्षों पर पतली होगी, ये लंबी नलिका होती है, ठीक है ना। कहता है ये पत्र, ये मुख्य रूप से नग्न बीजी एवं निम्न संभाग पौधे में जल द्वारा घुलित खनिज पदार्थ को जड़ तक पहुंचाता है। देखिए नग्न बीजी मतलब जिसमें कोई बीज वगैरह नहीं पाया जाए। अफ्लोएम या एक संबान बंडल का दूसरा जटिल ऊतक है कौन, जाइलम तो हम लोग देखा जड़ को ले जाने वाले, और फ्लोएम है ये भी संबान बंडल का ही पार्ट है, ठीक है ना, ये भी एक ऊतक है। इसमें पाई जाने वाली चालनी नली यानी स्लीव ट्यूब का मुख्य कार्य पौधों के हरे भाग के में निर्मित जो भोज्य पदार्थ है, जो भोजन है, उसको पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा, फ्लोएम, कौन करता है, फ्लोएम। ये देखिए इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम का नलिका बना हुआ है। देखो बेटा ये जाइलम का इस प्रकार से बना हुआ है और ये फ्लोएम का बना हुआ है, ठीक है ना। ये जाइलम की वाहिकाएं है और ये किसका है, फ्लोएम का है, ओके। तो कहता है हरे भागों में खाना बना था यानी पत्तियां खाना बना था, पत्ती में, पत्तियों के द्वारा खाना बनाया गया। अब इन निर्मित भोज पदार्थ को दूसरे भागों में वितरित करना है, वितरित मतलब पहुंचाना है, वितरित मतलब क्या होता है, पहुंचाना है। चालनी नलिकाएं लंबी तथा नलिका के समान होती है, लंबी होती है और नलिका के समान होती है। इसमें अनेक छिद्र होते हैं, मतलब बहुत से छिद्र पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सा क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। इन छिद्रों के द्वारा ही चालनी नलिकाओं में जीव द्रव्य दूसरी चालनी नलिकाओं में जीव द्रव्य से संबंधित रहता है, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके थ्रू क्या होता है, ये चालनी नलिकाएं में बहुत सा है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसका वाला पार्ट उसमें चला जाए, उसका वाला पार्ट उसमें चला जाए, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो कि और इस प्रकार खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरे कोशिका में संबंध होता है, यानी खाद्य पदार्थ का जो बना हुआ पत्तियों के पास जो बना हुआ खाद्य पदार्थ था, एक संवहन ऊतक से दूसरे संवहन ऊतक में प्रवेश कर जाता है, यानी फ्लोएम में फ्लोएम ऊतक के द्वारा प्रवेश कर जाता है। पौधे में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। ये एक लाइन ये लिख लो बेटी, एक लाइन आप लोग ये लाइन लिखिए, तो लिखिए ये लाइन, पौधों में सुक्रोज का भी फॉर्मूला वही होता है C6H12O6। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है, पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है, 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 हो गया। बच्चे खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। आगे देखो, सारे बच्चे आगे देखिए। अब इसमें क्या है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच अंतर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम के बीच का अंतर, ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच का अंतर। तो कल आप इसको लिख करके लाइएगा, ठीक है, वहां जगह थोड़ा छोड़ देना है और कल इसको लिख करके लाना है। और ये कॉपी जो मैं लिखवा रहा हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग कॉपी बनता है ना, इसलिए आप उसको ये नहीं कि रात में लिख के उसको छोड़ दीजिए। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको उतारिएगा नहीं टाइम जाया जाएगा, घर से उतार के लाइएगा, कॉपी तो सबके पास है, ठीक है ना। आयो देखो, कहता इसकी कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम कोशिका मृत होती है, जाइलम कोशिका कैसा होती है, मृत होती है। एक नंबर यह क्वेश्चन में भी बन सकता है बच्चों कि किसकी कोशिका मृत होती है, जाइलम के या फ्लोएम के, तो जाइलम को, ठीक है ना, जाइलम की कोशिकाएं
मृत होती है, जाइलम की कोशिकाएं जल जाती है, जल जाती मतलब जर जाती है, खराब हो जाती है, तो मर जाती है, ऐसे याद रहेगा ना। और फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है बच्चे, जीवित रहती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित रहती है, फली रहती है। यह जल और घुलित खनिज का हस्तांतरण करता है, किसका इधर से उधर करता है, जल को और खनिज को, घुलित जो खनिज है उसको एक जगह से दूसरे जगह लाने का कार्य करता है। यह खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण करता है, यह जल ले जाता है और यह खाना ले जाता है, याद रहेगा। पानी कौन ले जाता है भाई, एक हाथ जल ले जाता है जाइलम, पानी ले जाता है जाइलम, और खाना ले जाता है ना, ये तो मुधवाई ले जा रहे हैं, है ना, एक हाथ में पानी और एक हाथ में खाना, तो जाइलम का काम क्या है, जल को ले जाना, और फ्लोएम का काम क्या है, खाद्य पदार्थों का ले जाना, याद रहेगा। जाइलम यह जल एवं घुलित खनिज का हस्तांतरण करता है और ये खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण करता है, याद हो रहा है बच्चे। तीसरा पॉइंट, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों के बहाव के ऊपर की ओर होता है, लवणों का बहाव किरा ऊपर की ओर, अभी बताया थी ये चीज कि जल से न जाएगा पानी तो ऊपर की ओर, और इसका हर दिशा में होगा। इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर और नीचे दोनों दोनों तरफ परिवहन होता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। मान ली कोई पत्तियां नीचे खाना बना ली, टहनी है छोटी है नीचे पर, तो खाना लेके ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर भी हो गया। अब कभी कभी ये पत्तियां कहां खाना लेके जाएगा, जड़ में भी तो लेके जाना है, नहीं तो जड़ पतले रह जाएगा, जड़ कहेगा तुमको खाना नहीं दिया, कल से तुमको पानी नहीं मिलेगा अगर हमको नहीं दिया तो, ठीक है ना। तो इस वजह से फ्लोएम का कार्य क्या है, फ्लोएम का जो परिवहन होता है वो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, लेकिन जाइलम का परिवहन किधर होता है, जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ ऊपर की ओर होता है। जाइलम पानी ढोता है और फ्लोएम खाना ढोता है, जाइलम मरा हुआ होता है और फ्लोएम फल देने वाला होता है, जिंदा होता है, ठीक है। चलो याद हो गया बच्चे, तो आप इसको रट्टा मारिएगा, है ना, हूबहू लिखने की कोशिश करना है, दो आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से बांट के लिखना है, है ना, एक तरफ जाइलम और दूसरा तरफ फ्लोएम, बीच में ऐसे डालिए और निम्नलिखित करके लिखिए, ठीक है। उतारने का टाइम दे क्या, चलो टाइम देते हैं, उतार लेना। आइए आगे देखते हैं, पौधों में पदार्थों का परिवहन की क्रिया विधि कि अब पूरा डिटेल वो हम लोग शॉर्ट देखिए उतना, ठीक है ना। अब पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे कैसे होता है इस चीज को देखते हैं, झुकनी आ रहा है। पौधों में किसका, पदार्थ का परिवहन आता जाता कैसे है, चलो देखते हैं। जल खनिज और लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन विकसित पौधों में दो क्रियाओं के सहयोग से होता है, कितने, दो क्रिया, एक है हस्तांतरण, एक क्या है, हस्तांतरण, और दूसरा क्या है, वाष्पोत्सर्जन, समझ रहे ना। तो दो क्रिया विधि है पौधों में पदार्थों के परिवहन की, दो क्रिया विधि है, एक क्रिया विधि हस्तांतरण, एक जगह से दूसरे जगह जाना, और एक क्रिया विधि है वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब यह हो गया ट्रांसपोर्टेशन और यह हो गया इवेपोरेशन। देखिए दोनों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं, क्या कहता है, कहते हस्तांतरण के द्वारा घुलित पदार्थों का चालन, चालन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, पौधे के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है, एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है, किसके द्वारा, हस्तांतरण के द्वारा, घुलित पदार्थ। आप समझिए घुलित पदार्थ क्या है, जैसे हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सबको पता है, और इसी खून में लोहा भी पाया जाता है, आयरन, क्या पाया जाता है, आयरन। अब आयरन पाइप के थ्रू, किसके थ्रू, पाइप मतलब नस के थ्रू क्या करेगा, घुलित पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है ना, तो पौधे के एक अंग से दूसरे अंग में चला जाएगा। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का मतलब यह है बेटा, इवेपोरेशन का मतलब
कि पत्तियां में बहुत सारे छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, अस्टोमेटा कहते हैं उसको, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लेकिन साथ साथ पानी के कुछ अंश भी बाहर निकलते हैं, है ना। इसी घटना को इवेपोरेशन कहते हैं। आइए देखते हैं, कहता है वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपोरेशन, जिसके द्वारा जल, क्या जल, जिसके द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है, यानी वाष्प रूप में निकला और हवा में मिल गया। तो बताइए, ऑक्सीजन निकला था ना पौधे से, क्या निकला था, ऑक्सीजन, और हवा में मिल गया। पौधे से पानी का कण निकला था स्टोमेटा के थ्रू और ये भी हवा मिल गया। इसलिए कभी कभी आप ना गर्मी के दिन में पूरा लू चल रहा है, अगर पीपल के पेड़ के पास बैठ जाओगे ना तो लू खत्म होता है, ऐसा आपको एकदम ठंडा ठंडा फील होगा पेड़ के पास, तो पेड़ के छांव के कारण, तो छांव तो भाई घर में भी छांव है, तो पेड़ की पत्तियां जो होती है ना उसमें बहुत सा पत्ती है, एक भी पेड़ में, एक पेड़ में एलर्जी, क्या कर रही है, लेकिन वाला जहाज बनाएगी, पेड़ की में बहुत सी पत्तियां हैं और पत्तियां में बहुत सा पोर होगा, छिद्र होगा, अस्टोमेटा होगा, और ये अस्टोमेटा से क्या है, बहुत सा वाष्पोत्सर्जन यानी पानी की बूंदे निकलती है। अब पानी के बूंदे जब निकलेगी पूरा वातावरण में, पर्यावरण में, एनवायरमेंट में, वहां पे तो वहां की हवाएं क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। कभी कभी आप गर्मी में स्नान करते हैं, ठीक है, जब गर्मी में स्नान करते हो तो देखो जितना गर्मी में स्नान करो ना उतने ज्यादा एकदम ठंडा लगेगा स्नान करते समय, अब कभी कभी तो कपकपा देगा। कभी आप गर्मी में स्नान कर रहे हैं पूरा हवा चल रहा है तो देखिएगा हालत खराब हो जाएगा उस दिन स्नान करते समय, ये कभी आपने सोचा ऐसा। तो हवा जो होती है ना वो एकदम शीतलन का काम करता है, सॉरी पानी, पानी किसका काम करता है, शीतलन का, और हवा का झोंका उसको जल्दी सुखाने का काम करता है, इस वजह से कस के ठंडा लगता है। एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज और देखो, जब कभी आप एकदम काम करके आए पूरा पसीना से एकदम भींगे हुए हैं और पंखा में आओगे ना तो एकदम ठंडा लगेगा, पहले के तुलना में, अब कोई काम नहीं कर रहे हैं अब पंखा में बैठे हैं ज्यादा ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादा ठंडा कब लगेगा, जब पसीना हरहरा के एकदम सूखेगा ना तब एकदम पूरा ठंडा लगेगा। क्या समझ में आया, तो यही वाष्पोत्सर्जन है बेटा, कि जिसके द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भाग, तो बाहरी वायवीय भाग क्या है, पोर है, छिद्र है, अस्टोमेटा है यानी अस्टोमाटा, वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है, है ना। वो जो छिद्र था ना वायवीय भाग, मतलब बाहरी वायवीय भाग, जड़ नहीं बाहरी वायवीय भाग, यानी जो पत्तियां में छिद्र है अस्टोमेटा है उसके थ्रू पानी की कुछ बूंदे बाहर निकल जाती है और निकलने के साथ साथ क्या होती है, हवा में मिल जाती है। इसके साथ साथ अवशोषित जल का जाइलम द्वारा हस्तांतरण होता है और फिर जाइलम द्वारा, हालांकि जल की बहुत अधिक मात्रा का अवशोषण जड़ द्वारा होता है, लेकिन कुछ कुछ अब कभी कभी देखते हो कटा हुआ साग बाजार में मार्केट में बिकते रहता है ना, देखो ना साग बिक, और उस पर पानी छिड़कता है, अब पानी छिड़कने से साग एकदम ताजा ताजा हो जाता है, होता है ताजा, कारण क्या है, ये वाला पॉइंट को समझो। या कभी कभी पानी को पेड़ से, कोई छोटा पौधा है, ठीक है छोटा पौधा है, छोटा बच्चा इसे देखा हो जाता है, छोटा पौधा है, अब छोटा पौधा को ऊपर से पानी मारा जाता है, देखिए फुहारा वाले वो आता है जग और पतवा पर पानी मारेगा, देखे ऐसा, क्योंकि उस पत्ती के द्वारा जो छोटा छोटा पोर होता है ना उससे भी पानी इंटर कर जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा सब समझो। इसके साथ साथ अवशोषित जल का जाइलम द्वारा हस्तांतरण, हालांकि यहां से पॉइंट को समझ, हालांकि जल की बहुत अधिक मात्रा जड़ द्वारा अवशोषण होता है, लेकिन इसका 10% भाग पौधे की जरूरी क्रियाओं का उपयोग हो पाता है और 90% वाष्प के रूप में पत्तियों के सदस्य वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, यानी कुछ कुछ भाग किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, यानी कि हवा के रूप में निकाल करके जो वाष्प था ना बना था पत्तियों में जो छिद्र था उसके द्वारा भी पानी का कुछ पार्ट घुस जाता है, तो बाहर भी निकलता है तो घुसता भी है, क्लियर हो गया।
लेकिन 90% वाष्प के रूप में पत्तियों के सतह पर वायुमंडल में मुक्त हो जाता है, 10% और भाग से, ठीक है ना, और 90% पत्तियां के थ्रू वायुमंडल में मुक्त हो गया। आई यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? यह है बेटा जाइलम और फ्लोएम, ये आपको काटा हुआ है, इसको ऐसे समझना, नीचे लंबा गेल है, रमतार जैसा पाइप है, बड़ी मनी सेक्शन रखा रहता है ना पाइप दुकान में, देखते हो सब कुछ खाली छेदवा नजर आएगा और पूरा पाइप थोड़ी नजर आता है, वैसा ही ये वाला खाली छेद नजर आ रहा है, इसका जो होल्स है वो नजर आ रहा है, पाइप नजर नहीं आ रहा है। पाइप आप सोच लो कि अंदर इसने लंबा होगा, यहाँ पे खाली होल्स है। तो इस प्रकार से मृदा, अब बताओ ये है मिट्टी, जड़ है, मूल मूल रोम यानी जड़ है, यहाँ से पानी रिसा, पानी रिस करके धीरे 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 यहां तक पहुंच गया, ठीक है ना। कहता है कि जल का अवशोषण एवं परिवहन जलीय पौधों में मृदा से जल का अवशोषण मुक्त अपने मूल रोम द्वारा होता है, हेयर द्वारा। मूल रोम क्या होता है बच्चे, ये समझिए, ए वो कोई जड़ होगा, जड़ में देखेगा ना एकदम पतला पतला जड़ बड़ी मानी लभाई रहता है, उसको कहते हैं रोमा जैसा, जैसे हमारे शरीर में बाल है, एक वो ये बाल है और एक इसमें बाल है, दोनों बाल में अंतर नहीं है, तो इसको बाल बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, रोमा बोल दिए। तो ये हो गया जड़, मोटा है, ये हो गया जड़, और ये हो गया रोम, क्या हो गया, ये रोम, मूल रोम, समझ में आया बच्चे। कभी कभी क्या होता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर में भी बाहर जाता है, कैसे, इसके थ्रू, जहां जहां बाल है वहां वहां पानी निकलता है, और जहां बाल नहीं है वहां से पानी निकलता है, ओठ से पानी निकलता है, कभी ओठ पर पसीना देखते हो आता है क्या, है ओठ पर पानी, ये ओठ पर थुकवा भाल आ जाता है, मुंह वाला थुकवा आ जाता है, लेकिन क्या इस पर पसीना देखे हो, इसमें बाल नहीं है, ठीक है, और चेहरा पर पसीना पूरा एकदम आ जाता है, तो चेहरा पर तो लड़का लोग तो पूरा दाढ़ी है ना, लेकिन लड़की लोग के भी तो यहाँ पे रुआ मिलता है, देखने को मिलता है ना, इस वजह से क्या है, इस पर पसीना आता है, बताइए इसका अटैचमेंट कहाँ से, तो इसका अटैचमेंट है शरीर के अंदर से ही है ना, यहाँ यहाँ भी बहुत पसीना निकलता है, हाथ में भी, तो कारण क्या है, यहाँ भी रुआ है, देख रहा है कि निकल रहा है कि नहीं, कभी कभी पसीना इतना ज्यादा निकलता है कि चमकते रहता है, चमकते रहता है पसीना, लग रहा है पानी दम कराह में घुसल है, ठीक है, समझे बच्चों। एक घंटा हो गया कुछ यार, आधा तक इधर घुसने दो, कम से कम यहां तक आ जाने दो, आप बताइए। अच्छा एक बात ये सोचते हैं कि जड़ में कुछ ऐसा ताकत है कि खींचता है, खींचता है तो कैसे खींचता है यार, कटपटा बात है ना, एक पाइप लगा दिए तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा, तो जड़ में कौन सा चीज है भाई, तो जरूर होगा, तो जड़ में पानी, जो जड़ से पानी जो खींचता है उसका कारण है ऑस्मोस्टिक या ऑस्मोसिक प्रेशर, क्या है, ऑस्मोसिक प्रेशर या एक और आप नाम पढ़े होंगे केशिकत्व, केशिकत्व कैपिलरी, क्या पढ़े हैं कैपिलरी, क्या पढ़े कैपिलरी, कैपिलरी क्या होता है, देखो यहां पे अगर पानी गिराओगे यहां पे, तो देखिएगा पानी यहां गिराएंगे और कुछ दूर में भींग करके यहां तक पानी आ जाएगा, तो पानी खाऊ में पाइप लगा था, रीस करके चलाया, कैसे चलाया, रीस करके चलाया, इसी घटना को क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। जैसे केशिकत्व का सबसे बड़ा एग्जांपल है लैंप में जो बत्ती रहता है ना, लैंप जलता है तो बत्ती तेल में भींगा रहता है, और बत्ती में कुछ है क्या, पाइप लगा है कि पानी तेल वो ऊपर जाएगा, और मोटर लगा हुआ है कि तेल वो ऊपर खींचेगा फिर जलेगा, नहीं ना, सिर्फ बत्ती है, या ढिबरी उबरी रहता है तो सिर्फ बत्ती है, तो बत्ती में वो तेल भींग गया और वह भींगल 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 नीचे से खींचते रहता है, तो ये किस विधि द्वारा खींचा रहा है, केशिकत्व विधि द्वारा, किस विधि द्वारा खींचा रहा है, तो जड़ से